है छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक प्रत्याशियों में शुमार। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी टीएस सिंहदेव की संपत्ति पिछले 5 सालों में 51 करोड़ रुपए घट गई है। इसके बावजूद वे वर्तमान में 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। सिंहदेव की संपत्ति वर्ष 2008 से 2013 और 2013 से 2018 के बीच लगातार कम हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी टीएस सिंहदेव ने 2013 के चुनाव के समय 551,46,98,685 रुपए की कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया था और इस बार 2018 के चुनाव में नामांकन दाखिले के साथ दिए गए ब्यौरे में उन्होंने अपनी संपत्ति 500,04,07,613 रुपए 55 पैसे बताई है। शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार सिंहदेव हाथ में नकदी 2,80,000, आयकर रिटर्न के अनुसार वार्षिक आय 7,83,000 रुपए है, बैंक खातों में कुल जमा राशि 22,09,000 रुपए और कंपनियों में भागीदारी शेयरों में निवेश व प्रदत्त ऋण 8,30,00,000 रुपए बताया। वहीं कुल 1,03,00,000 रुपए के जेवरात उन्होंने विरासत में मिलना बताया। सिंहदेव के पास हथियार व साउंड सिस्टम 2,50,000 रुपए के हैं। सकल चल संपत्ति का मूल्य 9,98,00,000 रुपए होना बताया। सिंहदेव के पास वर्तमान में एक मर्सिडीज, एक ऑडी, एक होंडा सिविक सहित 5 गाड़ी रजिस्टर्ड है। उनके पास 491,42,92,706 रुपए की अचल संपत्ति भी है जिसमें जमीन मकान आदि शामिल है। इनमें विरासत में मिली अचल संपत्ति का बाजार मूल 491,42,00,000 रुपए व स्वर्जित अचल संपत्ति की कीमत 8,61,00,000 रुपए है। वहीं आपको बता दें कि सिंहदेव पर 62,81,000 का ऋण भी है। मैंने ये तो ब्यौरा नहीं दिया कि सबसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास है, पुरखों से जो विरासत में मुझे मिली है और आगे की पीढ़ी को देने की जवाबदारी भी उसके साथ में मिली है, वही जो चला आ रहा है घटते 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 कम होते होते जो बचा है वही है। वो संजोग ऐसा हुआ कि ऐसे परिवार में जन्म मिला जिसने जो रखा उसको दिखाया है, और हम लोग वो संपत्ति का आकलन नहीं करते हैं, वो राजस्व विभाग करता है। तो जमीन की जो कीमत उनने बताई, जो उसमें इमारत बनी है उसकी जो कीमत दिखाई, वही उसमें दर्शाई हुई है। अभी जो नामांकन पत्र में उन्होंने जो पैतृक संपत्ति है, जो उनकी स्वर्जित कुछ मकान है दिल्ली और भोपाल में, उनके गहने, बैंक में जो जमा रकम है और वाहन, इसको उन्होंने दर्शाया है। टोटल 500,41,00,000 रुपए के आसपास है। पिछले बार 551 करोड़ से ज़्यादा था, इस बार 500 करोड़ के आसपास है। 51 करोड़ रुपये की संपत्ति उनकी कम हुई है। 51 करोड़ की संपत्ति जो कम हुई है उसमें ने अंबिकापुर शहर के बहुत सी जो जमीन है उन्होंने विक्रय किया है। विक्रय करने कारण जो है रकम कम हो गया है। क्या है टीएस सिंहदेव की रियासत और सियासत, इस पर बात करेंगे हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी से। संजीव जी, टीएस सिंहदेव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और काफी संपत्ति उनकी कम हुई है। जी, आपको बता दूं कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में एक बेहद ही ईमानदार और काफी अच्छे नेता माने जाते हैं, क्योंकि वो राज परिवार से हैं, राजा हैं, और राज परिवार की जो संपत्ति काफी फैली हुई संपत्ति है और उनकी विरासत में मिली हुई संपत्ति है जी। और राजनीतिक तौर पर भी जब देखा गया है कि टीएस सिंहदेव जो है, जिनके जो निजी खर्चे होते हैं, गाड़ी के खर्चे, सफर के खर्चे, वो खुद ही उसका वहन करते हैं जी। तो ये जो संपत्ति कम हुई उनकी, दरअसल वो जो उनके निजी खर्चे होते हैं, जो कभी ट्रेन से जाते हैं, कभी कार से घूमते हैं, जो इन सब में खर्च हुई होगी, क्योंकि उनका जो चरित्र रहा है, क्योंकि अविवाहित है और किसी तरह से अन्य तरीके से धनार्जन करने की उनकी कभी इच्छा रहती नहीं है, तो स्वाभाविक संपत्ति में कमी होगी उनकी। पचौरी जी, माना जाए कि उन धनार्जन में उतना उनका नहीं है, खर्चे उनके ज्यादा हैं। अब स्वाभाविक है, राजनीतिक तौर पर इंसान जब 5 साल में जाने कितने बार दिल्ली जाना होता है, पूरे प्रदेश दौरे करने पड़ते हैं और भी कई तरह खर्चे आते हैं, तो निश्चित तौर पे इतने खर्चे तो हो ही जाते हैं इंसान के, और खासतौर जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहे हो वो, और पूरे प्रदेश में इनके जो है आना जाना लगा हो और दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो स्वाभाविक खर्चे हैं ये जी। शुक्रिया संजीव।